धोखाधड़ी का आरोपी झालावाड़ से गिरफ्तार, अजमेर की व्यापारी से हड़पे 8,30,000 रुपए, पूछताछ जारी, 19 मामले दर्ज। अजमेर जिले के नरबतखेड़ा स्कूल में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं हिंदी एग्जाम के दौरान एक लड़के के पास नकल सामग्री मिली, परीक्षार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने पकड़ा। स्कूल के संस्था प्रधान ने जवाजा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी भी की। राजस्थान में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन शनिवार सुबह 7 बजे अजमेर के मदार स्टेशन पहुंच गई है। यह चेन्नई से वाया चंदेरिया होते हुए अजमेर पहुंची। अब यहां मदार स्टेशन पर ट्रेन का मेंटेनेंस होगा। स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। DPS तबीजी अजमेर, जहां एकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। अजमेर के पास श्रीनगर थाना क्षेत्र के खटिक मोहल्ला में बाबा रामदेव मंदिर में पूजा करने को लेकर विवाद हो गया है। इसमें एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। महिला ने खुद व बेटे के साथ लाठियों से मारपीट को लेकर 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अजमेर में एक युवक रात भर बिजली के तारों पर घूमता रहा। उसे नीचे उतारने के लिए काफी कोशिशें की गई, लेकिन वह नहीं माना। इधर सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अब मोबाइल पर जानिए कितनी बिजली खर्च हुई। अजमेर डिस्कॉम ने लगाए 68,673 स्मार्ट मीटर। CBSE के निर्देश, 1 अप्रैल से पहले ना खुले स्कूल। सोफिया स्कूल में 27 मार्च से ही स्टूडेंट्स को बुलाया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। किशनगढ़ में दवाइयों की बिक्री में 90% गिरावट। जयपुर और अजमेर जा रहे मरीज। सीपी जोशी 27 मार्च को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे। राजस्थान बीजेपी के 7वें ब्रह्मांड अध्यक्ष ताजपोशी में शामिल होंगे पुनिया और वरिष्ठ नेता।